जीआरपी थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान ब्राइट फ्यूचर एसोसिएशन मुंबई के फर्जी एनजीओ के 11 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाने के एएसआई हरीश चंद्र ने बताया कि गुरुवार को जब जीआरपी टीम स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी, उसी समय कुछ लोग स्टेशन पर कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज के नाम पर चंदा वसूली कर रहे थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो सभी फर्जी एनजीओ सदस्यों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने आप को मुंबई की ब्राइट फ्यूचर एसोसिएशन का सदस्य बताया, लेकिन जब इन सभी के दस्तावेजों की जांच की गई तब इस बात का खुलासा हुआ। पकड़े गए सभी 11 युवक युवतियां फर्जी एनजीओ के सदस्य हैं, जो लोगों को गुमराह करके रुपए ऐंठने का काम कर रहे थे। पुलिस ने जब इन लोगों की तलाशी ली तो इनके पास से 6 फर्जी फाइल फोल्डर, 13 रसीद बुक, 6 डायरी, 8 पैकेट विजिटिंग कार्ड, कूपन पर्चियां, सील चपड़ी, डोनेशन डिपॉजिट फोल्डर, 5 शीशे के दानपत्र और 25,795 रुपए की नकदी बरामद की। मुंबई थाने के रहने वाले सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जीआरपी ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 नंबर प्लेट पंप पर कुछ 4-5 लड़के और लड़कियां ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे कैंसर पीड़ित लड़कों के इलाज के लिए, जिनसे हमने पूछताछ करी और पूछताछ करने पर हमारे को शक हुआ कि ये फर्जी है। इनको थाने पर लाकर पूछताछ की, उस दौरान इनकी आईडी वगैरह ये चेक किया तो ये सब फ्रॉड पाए गए, और इनके मूल निवास पे भी हमने फोन करके बात करी तो वहाँ पे भी इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज होना पाया गया है। इनसे कोई फर्जी रसीद वगैरह या रसीद नकदी भी है, करीब 25,000 के आसपास है, 25,700 कुछ रुपए है, और रसीदें भी है, और टिकट वगैरह जो है इनके वो 10-10 रुपए के वो भी है, किताबें हैं और फाइलें हैं बनी हुई इनके पास में, जो पब्लिक को दिखाकर किसी को उत्साहित करते हैं, फर्जी मतलब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे हैं इन्होंने।